那个。来来来 नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल हैं आपके सर हम तो बहुत बढ़िया हैं आप बताइएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है आ गई है सीए इंटरमीडिएट रिवीजन लेक्चर्स मई 2021 में आपका बहुत बहुत स्वागत है पहली क्लास हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं अरे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं और इसमें आ जाते हैं प्रतीक कुमार हैं कविता हैं हर्ष हैं आशीष हैं जहांगीर हैं रौनित हैं राहिल हैं भाई साहब सब लोग आ गए कतई जहर स्टार्ट कर दें बोलो रगर का हो तो स्टार्ट कर दें हां सर जी कर दीजिएगा तो आ, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं हमारी सीए इंटरमीडिएट की कॉम्पैक्ट बुक से और मैं आपको यह भली भांति बता देना चाहता हूं कि यह सीए इंटरमीडिएट की जो कॉम्पैक्ट बुक है वो हमारी वेबसाइट सी ए राजकुमार डॉट कॉम पर फ्री रिसोर्सेज टैब के अंदर जाइएगा वहां पर आपको यह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पी वहां पर अवेलेबल है ठीक है अच्छा सर जी ठीक है कर दो सर जी तो यहां से हमारी चर्चा शुरू होती है मालिक और इसमें जो हमारे चैप्टर्स कवर होने हैं वो ये रहे इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन चार्जेबिलिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई टैक्सेबल पर्सन एक्सम्शन वैल्यूएशन आरसीएम इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई रजिस्ट्रेशन आईटीसी है मैनर ऑफ पेमेंट है रिटर्न है और ई वे बिल है ये हमारे चैप्टर उसके बाद में लिस्ट ऑफ सेक्शन है ये सारा काम हमें यहाँ पे करके चलना होगा राइट <coughs> ये आपका कंप्लीट सिलेबस है कॉम्पैक्ट बुक अपने आप में मोर देन सफिशियंट है मतलब ये किताब मेरे हाथ से लिखी हुई है बिल्कुल बाय हैंड हैंड रिटन जैसे बोलते हैं वो लिखी हुई है फिर उसको टाइप कराया टाइप सेट कराया और आपको सुपुर्द कर दी है किताब ये पूरी ताकत पूरी जान इस किताब के अंदर लगा रखी है आप पढ़ोगे तो मजा ना आए तो कहिएगा ठीक है जी उसके बाद आ, मैं यहां से आपको जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है जो भी आपके ये लॉ है मैं आपको रिकॉल कराऊंगा यहां से उसके बाद आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आ, जो कंपाइलर है जो क्वेश्चन आंसर है एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस इन सब के लिए आ, मैंने कंपाइलर तैयार कर रखा है ये बुक भी ये rajkumar.com पर ये बाय करने के लिए अवेलेबल है <coughs> सॉरी <coughs> क्या टक <तक> गया <coughs> ये वहां से आप उस कंपाइलर को खरीद सकते हैं लेकिन ये वाली किताब जिससे हम रिवीजन कर रहे हैं ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पीडीएफ इसकी अवेलेबल है राइट फ्री रिसोर्स के अंदर करें मालिक यू आर एवर ग्रीन आप भी तो एवर ग्रीन हो यार एवर ग्रीन ही रहना चाहिए जो व्यक्ति खुश रहता है ना प्रसन्न रहता आनंद में रहता है मान के चलो साक्षात पर परमेश्वर उसके हृदय में निवास कर रहे हैं और उसको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं इसलिए आप भी खुश रहा करो मस्त रहा करो व्यस्त रहा करो अच्छे से पढ़ाई करो यहाँ पर मैंने अपना ये इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है आप इसे पढ़कर देखिएगा इसमें एक नई चीज मैं आपको बताऊँ वो क्या है ये हम सभी सी कम्युनिटी के लिए प्राउड मूवमेंट की बात है कि हम आई अधिकारियों को ट्रेन करते हैं और उनका भी एक बैच चल रहा है सैटरडे uh, संडे उनकी छुट्टी होती है और Uh, पाँच दिन उनकी चार चार क्लास होती हैं मंडे uh, से लेकर फ्राइडे uh, तक तो जिनकी पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर है उनको हम ट्रेन कर रहे हैं इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल सी ठीक सर एंड uh, मुझे ये लिखने का बड़ा शौक है ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स टेन टाइम्स नाउ दस बार ऑल इंडिया हाईएस्ट आ चुका है अगली बार आप में से निकाल के चलना है ठीक मालिक पहला चैप्टर शुरू होते कथा प्रारंभ है आओ जी वीर हनुमान आसन विराजियों नगर करो कल्याण सभी का कल्याण किया जाएगा इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार टैक्स क्यों वाई टैक्स मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको बता के चलूंगा मालिक आखिर टैक्स क्यों देखिए हमारे अपने आपका परिवार मेरा परिवार हम सब परिवार ही हैं तो परिवार को चलाने के लिए पिताजी माताजी या दोनों आ, काम करते हैं सैलरी अर्न करते हैं या बिज़नेस करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करके चलते हैं जिसमें मकान है शिक्षा है स्वास्थ्य है खाना है पीना है मौज है मस्ती है सब कुछ के लिए हमें अर्न करना होता है ऐसे ही सरकार को ये देश चलाना है ये 130 करोड़ लोगों की फैमिली है इसको चलाने के लिए सरकार को भी पैसा चाहिए तो कहते हैं कि तेल तो तिलों में से ही निकलता है तो जो हम कमाने वाले हैं हम बच्चे हैं इन बच्चों को ही अपने रेवेन्यू में से अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा या जो सैलरी अर्न कर रहे हैं उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है जिससे कि सरकार देश को चलाती है रोटी कपड़ा मकान सड़क ब्रिज पुल एटसेट्रा जो भी है इन सभी संसाधनों के लिए सरकार पैसा खर्च करके चलती है उसके बाद नंबर आता है कि वट इज टैक्स सीधी बात है कंपल्सरी एक्सटॉशन ऑफ मनी अगर मैं इतनी ही डेफिनेशन बोल के चलता हूं तो इसका मतलब यह हो गया धन की जबरदस्ती वसूली करना ही कहलाता है आपका यहां पर टैक्स लेकिन यहां तक अगर पढ़ा जाए तो डेफिनेशन हफ्ता वसूल किया कि धन की जबरन वसूली करना ये आपका टैक्स कहलाता है लेकिन जब ये जबरन वसूली को लीगलाइज कर दिया जाता है किसी एक्ट के तहत लिख दिया जाता है तो यही चीज बन जाती है आपके यहां पर आकर टैक्स तो पूरी परिभाषा बनती है कंपल्सरी एक्सटॉशन ऑफ मनी मेड अंडर एनी एक्ट और काहलिए सरकार ये सब कर रही है टू सपोर्ट द नेशन टू सपोर्ट द नेशन इसके लिए सरकार ऐसा करके चल रही है बाबा जल ग्रहण कर लीजिए मैं अभी जल ग्रहण करूंगा मैंने किया था उसके बाद में आता है टाइप ऑफ टैक्स मैं आपकी स्पीड जो मैंने स्पीड यहां पर मेंटेन करके चलूंगा वो उसके हिसाब से कि जैसे मान लीजिए आपको पेपर की तैयारी करने के लिए अट्ठारह घंटे का आपके पास समय होता है तो मान के चलो आप अट्ठारह घंटे में से चूंकि डी थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू आई तो मोटा मोटी मान के चलो मैं करीब करीब आठ घंटे लगाने का प्रयास करूंगा अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि आप उसे 1.5 पर भी देख सकते हो आठ से दस घंटे में मैं आपका ये रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा मालिक ठीक है एग्जाम टाइम में आप इसको अगर दस घंटे मैंने यहां पर करा दिया और एग्जाम टाइम अगर वन पर देखकर चलेंगे आप इसे तो मोटा मोटी वही छह घंटे मान लीजिए छह घंटे में आपका ये जीएसटी का पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा तो मैं स्पीड वो रखूंगा कि ना तो बहुत ही ज्यादा हो कि होगी दड़त दड़ करते हुए चले गए पता नहीं चला भाई साहब हो क्या गया ना चीजें समझ में भी आनी चाहिए ना कि चल क्या रहा है ना बहुत स्लो ना बहुत तेज राइट यस सर उसके बाद में आता है टाइप ऑफ टैक्स टैक्स दो तरह का होगा एक डायरेक्ट टैक्स हो गया एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है डायरेक्ट टैक्स वो जो डायरेक्ट पिंच करता है पिंच मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है बेयर भी उसी को करना होता है इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है लगता किसी और पर है लेकिन लोड उसका किसी और की जेब पर पड़ता है बेयर बाय अनदर पर्सन उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स राशिदी बात यू है भाई साहब कि इंजेक्शन अगर इसको लगा और दर्द भी इसी को ही हुआ है तो ये तो है डायरेक्ट टैक्स और इंजेक्शन लगा यहाँ और दर्द कहीं और ही हो गया किसी और को हो गया तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे करके आपकी परिभाषा यहाँ पर दी हुई है ओके सर जी आगे बात करते हैं यहां पर आकर के जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को आप बिजनेस टैक्स के नाम से भी बुला सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स में पूरी एक चेन बनी हुई होती है यहां पर एक मैन्युफैक्चरर मान लीजिए अगर मैं गुड्स की बात करके चलूं यहां पर होलसेलर होता है यहां पर रिटेलर होता है और यहां पर आपका एंड यूजर

इसको बोला गया कि भैया तू आगे से लियो और हमें दे दियो और जितना तू पहले दे चुका है उतने का हम तुझे यहां पर क्रेडिट दे, दे देंगे जितना दे चुका है उतना क्रेडिट के फॉर्म में वापस ले ले और जब तू अपने कस्टमर को आगे बेचे तो वहां से पैसा लेकर हमें दे दियो उन्होंने कहा ठीक है जी तो वास्तव में लोड इसके ऊपर भी नहीं आया होलसेलर की तरह सेम रिटेलर का भी हो गया सो so, फाइनली जो एंड यूजर होता है लोड उसकी जेब पर पड़ता है बड़ी बात बताना चाहता हूं ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है एक होती है बी टू बी ट्रांजेक्शन और एक होती है बी टू सी बी टू सी ट्रांजेक्शन आपकी होती है मालिक बी टू बी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि वेयर आपका जो रेसिपिएंट आदमी है वो रजिस्टर्ड होता है जब रेसिपिएंट आदमी रजिस्टर्ड होता है तो ट्रांजेक्शन को बी टू बी बुलाते हैं और जब आपका रेसिपिएंट आदमी अनरजिस्टर्ड आदमी होता है तो वहां पर ट्रांजेक्शन को बी टू सी के नाम से बुलाया जाता है जय जय श्री राधे मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा अगर ट्रांजैक्शन बी टू बी होती है तो वास्तव में क्या सरकार की कोई आमंदनी हुई या नहीं हुई अगर ट्रांजैक्शन बी टू बी है सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है वट एवर द अमाउंट आई विल पे टू द गवर्नमेंट माई रेसिपियंट विल क्लेम दैट अमाउंट एज क्रेडिट तो सरकार को गया सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया तो वास्तव में क्या सरकार की कोई हुई द आंसर इज नो जब क्रेडिट का चक्कर जिस जिस दिन दिन रुक जाएगा जिस दिन सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट बुक ना कर पाएगा उस दिन सरकार की असली और वास्तविक इनकम वहां पर मानी जाएगी तो यहां इसने इसको बेचा इसने टैक्स बड़ा क्रेडिट ले लिया सरकार को कुछ नहीं मिला वास्तव में इसने दिया इसने क्रेडिट ले लिया सरकार को कुछ नहीं मिला लेकिन इसने इसको बेचा और एंड यूजर ने क्रेडिट नहीं लिया दिस इज द रियल रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट और जितना जितना ये लेके सरकार को दे रहे हैं सारा इकट्ठा होकर लोड पड़ता है एंड यूजर के ऊपर यही है आपका इनडायरेक्ट टैक्स जहां पर बर्डन शिफ्ट होता है लगता किसी और पर है और भरता कोई और है करता कोई और है और भरता कोई और है भरता मतलब जिसे बेयर जो करता है वो कोई और ही करके चलता है तो कहा जाता है पहला इंपोर्टेंट फीचर कि भाई साहब इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है सरकार के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगभग आज की डेट में 10 से 12 लाख करोड़ एक साल भर का इनडायरेक्ट इवन जीएसटी का ही कलेक्शन आ जाता है इट इज ऑन गुड्स और सर्विस बहुत ही शानदार बात है क्योंकि गुड्स और सर्विस में ही हम लोग बिजनेस करके चलते हैं और एक प्रकार का बिजनेस टैक्स है इन्हीं के ऊपर लगाया जाता है बर्डन शिफ्ट हो जाता है ऐसे करके एक से दूसरे के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स डज नॉट पिंच डायरेक्टली टू द एंड यूजर ये जो टैक्स इसे देना पड़ा है डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं आ रहा है घूम घूम के घूम घूम के धो धो के मारा जा रहा है एंड यूजर को उसके बाद में चेंजेस इन रेट ऑफ टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट द इन्फ्लेशन अगर आज किसी प्रोडक्ट का रेट सौ रुपए का है जीएसटी का रेट उस पर है तो उसकी कीमत एक सौ पांच रुपए है लेकिन कल को अगर जीएसटी का रेट बढ़ जाता है सौ तो रुपए की बजाय अगर वो मतलब सौ रुपए के ऊपर अठारह रुपए का जीएसटी टैक्स आ जाता तो सौ अठारह कीमत हो जाएगी निश्चित तौर पर अगर जीएसटी के रेट में बदलाव होंगे फ्लक्चुएश होंगे तो इससे महंगाई पर डायरेक्ट असर पड़ेगा अगर रेट बढ़ गया तो महंगाई डाइन खा जाएगी ऐसे करके इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है रिग्रेसिव का मतलब यह हो गया जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो कम कमारिया है उसे बिल्कुल पांच लाख तक कमा रहे हो कुछ नहीं देना, पांच से हो 20 देना है लेकिन जो इंडायरेक्ट होता उसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी करने को या देखने को नहीं मिलता है माचिस की डिब्बी है चाहे अंबानी जी खरीदे चाहे मैं खरीदू चाहे फकीर आदमी खरीदे सबके लिए बराबर का ही टैक्स वहां पर आएगा इज इट ओके दस इसलिए बोलते प्रोग्रेस रिग्रेसिव नेचर का होता है ना कि प्रोग्रेसिव नेचर का आगे बोलते इट प्रमोट सोशल वेलफेयर कितना शानदार और बेहतरीन पॉइंट लिखा है कह रहे कि भाई साहब हम सोशल वेलफेयर को प्रमोट करके चलते कैसे भला टोबैको हो गया सिगरेट हो गया तंबाकू का सेवन जानलेवा होता है कह रहे उसकी वहां पर हम 28 परसेंट का जीएसटी लगाते हैं क्योंकि हम यह चाहते हैं कि ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी कीमत उसकी अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उसकी डिमांड घटेगी और डिमांड घटेगी तो इसका मतलब हम सामाजिक सुधार चाहते हैं हम नहीं चाहते कि लोग टोबैको का सेवन करके चले जबकि रियलिटी इससे कोसों तो दूर होती है सरकार खूब चाहती है कि टोबैको बेके और ढेर सारा रेवेन्यू सरकार के पास में आए जबकि इस पॉइंट को दिखाया ऐसे गया यहां पर कि सरकार सामाजिक काम

प्री और पोस्ट की अगर हम बात करके चलें तो पहले यहां पर क्या हुआ करता था कास्ट कडिंग इफेक्ट आया करते थे टैक्स ऑन टैक्स की बात हुआ करती थी बिकॉज पहले क्रेडिट नहीं मिला करते थे पहलेस अलग अलग लॉ बने हुए थे अलग अलग टैक्स हुआ करते थे एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ करता था कुछ टैक्स एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाया करते थे कुछ एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को जाया करते थे इसलिए आपस में एक दूसरे के क्रेडिट लेने में दिक्कत आया करती थी जब जब हमें किसी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा और अल्टीमेटली टैक्स के ऊपर टैक्स की बात वहां पर करवा दी जाएगी इज इट ओके यस सर को दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन आज के डेट में जीएसटी कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आया है कि जब भी जीएसटी लगेगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवत भारत जब जीएसटी लगेगा तब तब आधा खाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा खाएगी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट इसलिए क्रेडिट लेने में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसलिए कास्ट कटिंग अफेक्ट नाइनटी खत्म हो गया है थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है इक्का दुक्का जगह देखने को मिलेगा कि कास्ट करिंग अभी भी आज भी बचा हुआ है आपका ठीक है जी जैसे टोबैको के केस में क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ टोबैको ये आ गई टोबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपकी लगाई जाती है दस रुपये की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी सौ रुपये टोबैक की वैल्यू थी एक सौ दस रुपए की वैल्यू वहां पर हो जाती है अब जो जीएसटी लगेगा वो एक सौ दस रुपए पर लगाया जाएगा ऐसा लिखा हुआ है जीएसटी के कॉम्पिटिशन चैप्टर के अंदर कि वाई वी, वी आर वाइल आर कैलकुलेटिंग द ट्रांजेक्शन वैल्यू देन एनी काइंड ऑफ अदर टैक्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऐसा वहां पर बोला गया है डेटॉल भी सारे कीटाणु कहां मार पाता है कॉलगेट भी सारे कीटाणु कहां मार पाता है इसी चक्कर में जीएसटी भी सारे कास्ट कटिंग के कीटाणु नहीं मार पाएगा दैट्स वाई नाइनटी उसने कास्ट कटिंग को खत्म कर दिया है पहले डबल टैक्सेशन हुआ करता था एक ही चीज को गुड्स मानते थे सर्विस मानते थे रेस्टोरेंट में वर्कस कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की घटना घटित हुआ करती थी लेकिन आज के डेट में क्या है गुड्स को अलग बता दिया सर्विस को अलग बता दिए सबके अलग-अलग विभाजन कर दिए हैं इसलिए आज की डेट में डबल टैक्सेशन ना के बराबर आपका रह गया है वैसे करके बात की जाती है पुराने समय के अंदर मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे आज सिंगल जीएसटी है पुराने समय में मल्टीपल टैक्स को संभालने के लिए क्योंकि हर किसी को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए आपको संभालने के लिए कौन है मैं नहीं जानता लेकिन टैक्स को प्रत्येक प्रकार के टैक्स को संभालने के लिए कोई ना कोई तो उसके लिए चाहिए होता है तो वैसे सिचुएशन के अंदर हम बोला करते थे कि मल्टीपल टैक्स होने के कारण उनके मल्टीपल लॉ बने हुए थे जिसके कारण मल्टीपल प्रोसीजर भी आपको फॉलो करने पड़ते थे लेकिन आज के डेट में वन नेशन वन टैक्स सब कुछ कंसोलिडेट कर दिया गया है चूल्हा चौका इकट्ठा कर दिया गया मान के चलिए तीन भाई हैं और तीनों की शादियां हो गई हैं घर में अगर तीन चूल्हे चले तो दिक्कत हो जाती है तीन जगह बर्तन मांझे जा रहे हैं तीन जगह चूल्हे चल रहे हैं तीनों अलग अलग सब काम कर रहे हैं लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कंसोलिडेशन हो जाए तीनों का एक चूल्हा चल रहा है एक बहू घर में खाना बना रही है दूसरा परोस रही रही है, है, तीसरा बर्तन साफ कर रही है, तो भाई सब मजा ही आ जाए। रिसोर्सेस का बेस्ट हो पाएगा, खर्चा भी कम होगा सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। वही सरकार ने किया सत्तर तरह के टैक्सेस को जीएसटी के अंदर लाकर शामिल कर दिया जय जय श्री राधे और एक जुलाई दो को नंद के आनंद भयो जय सर उसके बाद प्री और पोस्ट के अंदर क्या अंतर आया पहले जो टैक्स पेयर हुआ करते थे उनको बुलाया करते थे मैन्युफैक्चरर है ट्रेडर है सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन अब इन सभी को बुलाया जाएगा सप्लायर 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 मैं भी सप्लायर और तू भी सप्लायर मतलब नहीं आप तरपियंट तो हो मैं चाहे गुड्स में मैन्युफैक्चरर हूं फैक्ट्री चलाता हूं तब भी मैं सप्लायर हूं मैं ट्रेडर हूं मैं तब भी सप्लायर हूं मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं तब भी सप्लायर हूं और सामने वाले व्यक्ति को बायर नहीं बोलेंगे उसको बोला जाएगा रेसिपियंट एक और बात बता दू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जितनी भी आपकी होती है उनको भी कहा जाएगा इंटर स्टेट ऐसे करके बुलाया जाएगा तो इस प्रकार के चेंजेस थे जो प्री और पोस्ट के अंदर आगे मुख्य रूप से चार चीज ध्यान में रखनी है कास्ट कटिंग डबल टैक्से मल्टीपल टैक्सेस एंड मल्टीपल प्रोसीजर ये पहले हुए करते थे लेकिन अब इन सब का समाधान यहां पर दे दिया गया है मुझे बताइए बाबू बात समझ में आई नहीं आई आपको संभालने के लिए कौन है चुप। हाँ, वट इज जीएसटी वट इज जीएसटी जीएसटी का है रे और हमने ये तो जस्टिफाई कर दिया है कि सत्रह तरह के टैक्सेस को सबस्यूम्ड कर लिया गया था बिल्कुल अनलोम विलोम की तरह 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 के टैक्स को अंदर खींचिए और धीरे धीरे जीएसटी को बाहर छोड़िए तो जीएसटी बाहर आ चुका जीएसटी प्रकट हो चुके हैं सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे जीएसटी आ चुके हैं लेकिन आ गए हैं तो जरा बताइए इंटरप्रेट कीजिए दिखते कैसे है आंखें कैसी है नाक कैसी है इसकी इसका स्ट्रक्चर क्या है जरा वो तो बताइए आप हमें तो कहने वाले कह गए कि भैया जीएसटी का मतलब अ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज अ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज इट इज कॉल्ड एज जीएसटी यानी कि जीएसटी लगने के लिए एक गुड्स या सर्विस होनी चाहिए जब तक गुड्स या सर्विस नहीं होगी तब तक जीएसट लेवी नहीं हो सकता है लेकिन सिर्फ गुड्स या सर्विस आ जाने से क्या लग जाएगा? एक, एक, एक मोमेंटम होना चाहिए जब तक इस गुड्स या सर्विस के अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं होगी तब तक जीएसटी लेवी नहीं होगा और कहने वालों ने इसी हरकत को इसी हलचल को नाम दे दिया गया सप्लाई का तो गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं तो आपका जीएसटी लगा दिया जाता लेकिन 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 सप्लाई दो तरह की होती है स्टेट और इंटरस्टेट अगर स्टेट है तो सी जी एस टी प्लस प्लस एस जी एस टी ऑब्लिक यूटी जी एस टी लगाया जाता है और अगर आपकी इंटर स्टेट है तो उस पर हम आई जी एस टी अपना लगाकर चलते हैं आई जी एस टी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट आधा देती है आधा ट्रांसफर कर देती है सीजीएसटी फंड के अंदर और बाकी आधा चला जाता है अरे कहां चला जाता दो, बाकी आधा चला जाएगा, के अंदर, जो का है वहां पर उस वाले एसजीएसटी uh, फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और अगर डेस्टिनेशन पर स्टेट ना होकर यूनियन टेरिटरी है तो वो पैसा यूटी जीएसटी फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है लेकिन पता कैसे करेंगे कि भाई सर ट्रांजैक्शन आपकी इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है तो कहने वाले कहे गए कि बॉर्डर बॉर्डर सप्लाई का ओरिजिन है और यहां सप्लाई का डेस्टिनेशन है इन दोनों के बीच में अगर वो आ जाए बिल्कुल वैसे जैसे पति पत्नी और वो बोलते ना ऐसे ही अगर ओरिजिन ऑफ सप्लाई और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई के बीच में अगर वो आ जाता है बॉर्डर आ जाता है तो मान के चलना भाई साहब सप्लाई है। है बॉर्डर किसी का भी हो सकता एक स्टेट और एक यूटी के बीच का बॉर्डर हो सकता है अगर बॉर्डर <laughs> आ गया ना भाई साहब तो सप्लाई को इंटरस्टेट वरना उसको स्टेट माना जाएगा वैसी वाली बात आपकी यहां पर कही जाती है यहां पर लिखा हुआ है मालिक फिर उसके बाद देखते कि हमारे सामने कितने प्रकार के जीएसटी आ गए जीएसटी कहने को तो एक है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं वैसे आपके हमारे भी रूप अलग अलग होते हैं जब हम पब्लिक के सामने होते तो हमारा रूप कुछ और होता है परिवार के साथ जब होते तो हमारा रूप कुछ और ही होता है जब परिवार के साथ जो आपका रूप होता है अगर पब्लिकली उसे देख लिया जाए तो भाई साहब अपने आप से शर्म आ जाएगी आपको नहीं बताओ ना फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सी जी एस टी सी जी एस टी के लिए क्योंकि टैक्स की परिभाषा होती है कि उसके एक लीगल बैकिंग होना चाहिए उसको संभालने के लिए एक एक्ट होना चाहिए तो टैक्स को टैक्स तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसकी लीगल बैकिंग ना हो इसलिए सीजीएसटी के लिए बनाया गया सीजीएसटी एक्ट एसजीएसटी के लिए 31 आपके स्टेट हैं उनके लिए 31 एसजीएसटी एक्ट अलग अलग बनाए गए पंजाब एसजीएसटी हरियाणा जीएसटी ऐसे अलग अलग वहां पर बनाए गए मालिक यूटी जीएसटी के लिए जो भी आपकी पांच प्योर यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए एक इकट्ठा यूटी जीएसटी एक्ट बना दिया गया और एक आती है कॉम्पनसेशन लिए कॉम्पनसेशन एक्ट आपका बना दिया गया है उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट मैकेनिज्म की जीएसटी का इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है मालिक और मुझे बताइए स्पीड ओके चल रही है ना भाई स्पीड इज ओके ना ना कम है ना ज्यादा है जहां तक मैं मान के चल रहा हूं बिकॉज आई एस कि आप ऑलरेडी जीएसटी अपना पढ़ चुके हैं क्योंकि मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं इज इट ओके मैं आपको जितनी भी बातें आती हैं उनको मैं रिफ्रेश करा रहा हूं राइट यस सर आई वालों की सुबह दस बजे से लेकर साढ़े चार बजे तक क्लास चलती है पता है मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है बाबू? Yes. आगे बात करते हैं क्रेडिट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम जो सप्लाई है या तो ले रहे होते हैं या फिर सप्लाई को हम आगे दे रहे होते हैं जो ली है वो इनवर्ड सप्लाई जो दी वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई कही जाती है कहते हैं कि आम के पेड़ पर आम लगेगा केले के पेड़ पर केला लगेगा

आउटवर्ड सप्लाई आती है, आम के पेड़ पर आम लगेगा आउटवर्ड सप्लाई ऑलवेज जो जन्म देगी वो आउटपुट टैक्स को देगी आउटपुट टैक्स के जो जो पेरेंट्स हैं वो

एक्सटर्नल सिक्वेंस के अंदर अच्छा इंटरनल एक्सटर्नल को छोड़ो सबसे पहले तो ये देखो कि कौन किसके प्रति सटाफ हो सकता है आई जीएसटी आई जीएसटी के लिए हो सकता है ओएस सीजीएसटी के लिए हो सकता है ओ oh यस yes, क्योंकि आईजीएसटी uh, के अंदर दोनों के कंपोनेंट होते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के इज इट ओके बिकॉज आईजीएसटी तो अपने आप में कोई टैक्स है ही नहीं इट इज ए सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ये तो आईजीएसटी नाम का एक लिफाफा होता है जहां पर हम सीजीएसटी एसजीएसटी को बांधकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लिफाफे को खोलती है आधा पैसा सीजीएसटी फंड में बाकी आधा पैसा एसजीएसटी फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है सर जी फिर क्या हुआ भाई तो ये आईजीएसटी इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है वैसे करके आपका जो सीजीएसटी पहले अपने की भूख मिटाएगा उसके बाद परायों के लिए है ना एसजीएसटी पहले अपने की भूख मिटाएगा फिर बाकी की भूख मिटाएगा आईजीएसटी की भूख मिटा सकता है क्या सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है जी नहीं स्टेट चेंज हो गया मतलब लेवल चेंज हो गया गवर्नमेंट का यह संभव नहीं है सिमिलरली क्या एस का क्रेड सीजीएसटी के लिए आ सकता है आंसर इज नो लेवल यहां पर चेंज हो जाता है यह भी संभव नहीं है मेरे बच्चा ओके सर जी तो जहां पर एरो आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उतना तक ही संभव है

अब एक्सटर्नल सीक्वेंस के बाद इंटरनल सीक्वेंस भी आता है आईजीएसटी को सबसे पहले किसके प्रति सर जी सबसे पहले हम आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करके चलेंगे नंबर दो पर नंबर दो पर आ, इसको मैं भी मैं बी लिख रहा हूं और इसको भी बी लिख रहा हूं नंबर दो पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, एनी रेशो एनी सीक्वेंस एज पर योर विश जो आपको पसंद हो जो तुमको हो पसंद तो इसलिए मैंने नाम दिया है इक्वल राइट right है दोनों में आप इक्वल क्या बेसिकली आप जो मर्जी कर सकते हो इक्वल नहीं करूंगा आप जो मर्जी पूरा का पूरा सीजीएसटी को लपेट दो पूरा का पूरा एसजीएसटी को आधा आधा कर दो एक चौथाई करो तीन चौथाई करो जो आपकी मर्जी फुल फ्रीडम है फ्री स्टाइल कर दिया गया फिर नंबर दो पर आकर एक्सटर्नल सीक्वेंस के मुताबिक हम पकड़ेंगे सीजीएसटी को जो पहले सर्वप्रथम इस्तेमाल किया जाएगा भाई साहब अपने के लिए उसके बाद फिर बी नंबर पर आईजीएसटी के लिए ऐसे ही एसजीएसटी या यूटीजीएसटी पहले अपने के लिए इस्तेमाल होगा फिर आईजीएसटी के लिए वहां पर इस्तेमाल कर दिया जाएगा यहां तक की बात पकड़ में आ गई है तो मुझे बताइएगा सारी थ्योरी यहां पर लिखी हुई है मैं सारा इंटरनल एक्सटर्नल और सारी सिक्वेंस के साथ सारा कुछ मिला के आपके लिए बोल रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल Credit of IGST will be utilized for the payment of IGST and after that, that may be utilized for the payment of CGST or SGST. Uh, in any ratio, any sequence later on, the credit of CGST will be utilized for the payment of CGST and after that, if any amount is remaining, then that will be utilized for the payment of IGST. And next one, SGST will be first to be utilized for the payment of SGST and after that, that may be utilized for the payment of uh, IGST. Okay, sir. Gee. एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बच्चा यूटी जीएसटी फॉलो करता है एस जीएसटी का पैटर्न मतलब ऐसे मान चलिए एक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं ये मतलब पहली बात तो है कि दोनों को भी इकट्ठी नहीं रह सकते वरना झगड़े की समस्या पैदा हो जाएगी बिकॉज जब हम बात करते हैं मालिक कि जैसे मान लीजिए इंट्रास्टेट सप्लाई इंटरा स्टेट अगर आपकी सप्लाई हो रही है किसी स्टेट के अंदर इंट्रास्टेट सप्लाई अगर हो रही है तो वहां पर सीजीएसटी आएगा और आपका एस जीएसटी आएगा लेकिन अगर वो यूटी के अंदर हो रही है तो फिर आपका सीजीएसटी आएगा इंट्रा और आपका यूटी जीएसटी आएगा ये यूटी जीएसटी सी जीएसटी कट्ठे आपको नहीं दिखाई दे सकते हैं इसलिए ऐसे मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति के दो पत्नियों के समान है तो जैसा बिहेवियर पहली पत्नी का है वैसा ही बिहेवियर दूसरी पत्नी का होगा मतलब यूटी जीएसटी फर्स्ट्रिब्यूटर फॉर द पेमेंट ऑफ यूटीजीएसटी और कुछ बचता है तो उसे आई जीएसटी के लिए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे मस्त इंग्लिश बोल रहे हो आज तो इंग्लिश बोल रहे भाई मैं बताऊं घंटे मेरा वीडियो पड़ा हुआ आ रस वाला बोल बोल के बोल बोल के मैंने पिछला बैच भी पढ़ाया था मैं बात आपको बताऊँ सच्चाई देखो भाई जब हिंदी में पढ़ाते हैं तो भाई फलूसी का हिंदी का ही बनता है मैंने आई आर एस की जो उनके सिक्वेंस हैं इकहत्तरवां बैच जो कि जो अधिकारी बनते हैं उनके बैच बोले जाते हैं ना इकहत्तरवें इकहत्तरवें बैच के अधिकारी थे पिछली बार फेबररी में साल में एक बैच होता है इनका फेबररी 2020 में तो आ, मैंने इनको पढ़ाया था तो थोड़ा सा तो लगता है भाई पहली बार जब बोलते हैं लेकिन इस बार ओ भाई साहब ढंग से लपेट रखा है शानदार तरीके से रपेट रखा है अब तो बहुत ही शानदार तरीके से तो ऐसे करके यहां पर अपनी बात कर दी जाती है मालिक उसके बाद आगे बोल के चलते हैं क्या भला नोट क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी सब लिखा हुआ है यहां पे डेफिशिएंसी इन ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम पुराने में क्या हुआ करती थी पुराने में होती थी मल्टीपल टैक्स मल्टीपल प्रोसीजर कास्केडिंग डबल टैक्सेशन ये पूछो कौन सी बीमारी नहीं थी जर्जर जर हुआ पड़ा था सिस्टम और वही सारी की सारी अच्छाइयां बनकर अब आ गया भाई साहब आपके यहां पर इसके अंदर यहां आ गया है इज इट ओके यस सर ठीक है मालिक आगे बढ़ते हैं जीएसटी नेटवर्क जीएसटी नेटवर्क की बात करके चलते हैं मालिक और पता अंग्रेजी में भी कोई इतनी टिपिकल नहीं होती आप देखना मैंने एक वीडियो डाल रखा आई एर वाला वीडियो मैंने डाल रखा है एक क्लास में डाल रखी है एक दिन वाली तो आप देखना अभी दो दिन पहले मैंने डाली है यूट्यूब चैनल पर आप चेक करना उससे ठीक है एक बार देखना जरूर है तो जीएसटी नेटवर्क जीएसटी नेटवर्क क्या होता है जैसे मान लीजिए भाई दो तीन भाई हैं दोनों तीनों की शादियां हो चुकी हैं Uh, सबकी बहुएं आज मतलब पत्नी आ चुकी हैं और घर में जॉइंट फैमिली बनकर वो रहते हैं ये जॉइंट फैमिली मतलब बाहर दिखावे के लिए है आंतरिक अंदर की बात करें आंतरिक बात करें तो बहुओं में फूट पड़ी हुई है अब होता क्या है सब्जी वाला बाहर आता है आलू है टमाटर है लौकी खीरा भिंडी संतरा मिठाइए अब तीनों बहुएं घर से बाहर निकलती हैं अपनी अपनी सब्जियां खरीदती हैं अपने अपनी सब्जियों के पैसे देती हैं और चली जाती हैं सब्जी वाले को एक मिनट में पता लग जाएगा भाई साहब अंदर क्या चल रहा है बाहर से तो ज्वाइंट दिख रहा है लेकिन अंदर इनमें फूट पड़ी हुई है सब अलग अलग है इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए था कि ये अंदर की बात बाहर ना निकल के जाए किसी एक पत्नी को या बहू को बाहर निकल के आना चाहिए था इकट्ठी सब्जी तीनों के लिए सब्जी लेकर जानी चाहिए थी भले ही आप अंदर जाकर हिसाब किताब कर लीजिए लेकिन बाहरी जगत में आपको ये नग्नता नहीं दिखानी चाहिए थी ऐसे ही ये हो रहा था बेसिकली जीएसटी का पोर्टल बनाया भाई साहब ने यहां पर बनाया है और यहां सारी सारी सेंट्रल ये देंगे, ये देंगे भाई जो भी इसकी गवर्नमेंट है जो जीएसटी का मजा ले रहे हैं कॉस्ट भी वही बियर करके चलेंगे सब अपना अपना पैसा देके चलेंगे तो इन्फोसिस के सामने सरकार की नग्नता प्रकट होती है तो इसके लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने पर्दा लगा दिया एक पर्दा लगाया पर्दा क्या बेसिकली

जीएसटी पोर्टल पर क्या क्या होता है पता है इस बार पहली बार मैंने सी इंटरमीडिएट का भी फरवरी के महीने में ही अपना बैच कंप्लीट किया है मालिक भाई मैंने जी भर के जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल किया है।, of Payment का की तैसी शुरू है पेमेंट यहां से यहां जाना ऐसे चलान क्रिएट करना जब पूरा प्रोसीजर बच्चा देख लेता तो मजा आ जाता है और चैप्टर पढ़ने में फिर बिल्कुल भी देर नहीं लगती उसे सारी पिक्चर पोर्टल से लिंक होकर कुछ समझ में आ रहा होता है रिटर्न फाइल करनी सिखाई है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन कैसे क्या होता है पचास बार रट्टा मारते रहना समझ नहीं आएगा लेकिन यहां जब देख लेते हैं प्रैक्टिकली पोर्टल पे आके तो थ्योरी अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है और ऑफिस में भी काम करती है इस बार जो मैंने इस बार जो सी इंटरमीडिएट का फरवरी में जो मैंने बैच रिकॉर्ड किया है मुझे लगता है कि सी इंटरमीडिएट का मेरा अब तक का दी बेस्ट बैच मैंने रिकॉर्ड वो किया है। ट्वेंटी नाइन या थर्टी लेक्चर उसके अंदर है पिछहत्तर घंटे का कंटेंट है और मस्त तरीके से उसमें सारी चीजों को मैंने उड़ेल कर दिया है सारा का सारा कंपायर सॉल्व करवा रखा है मालिक कतई जहर बैच है वो तो यहां पर आकर हम देखते हैं कि भाई लॉग इन किया लॉग इन करने पर मेरी कंपनी का नाम है आभास अजुटैक मैं इसका यूजर आई पासवर्ड डाला कैप्चा मुझे फिल करना है जो है यहां पर सिक्स सेवन टू यह आएगा आपका भाई साहब यहां पर सिक्स सेवन टू और नाइन नाइन सिक्स नाइन ही है ना चेक करना भाई नाइन नाइन सिक्स यस खुल गया अब ये कहता भैया पोर्टल का काम क्या होता है पोर्टल बहुत सारा काम करता है डैशबोर्ड पे आइए सर्विसेज पे आइए सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन है लेजर है रिटर्न है पेमेंट है यूजर सर्विस है रिफंड है ई वे बिल है पूरा ई वे बिल बनता कैसे है मिटता कैसे है कैंसिल कैसे होता है बीच में गाड़ी खराब हो जाए फिर कैसे ई वे बिल बनाओगे सब कुछ प्रैक्टिकली समझा रखा है सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहां पर लेजर आपके ये रहे ई कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक लेजर सब कुछ अंदर अंदर जाके सारी चीजें समझा ई कैश लेजर हो गया इसमें अगर कुछ एक्टिविटी करनी हो तो कैसे करेंगे वो सब कुछ बच्चे को यहां पर पता होता है तो ये बड़ा मस्त काम है मालिक तो सर्विसेज में आइए तो आपका जीएसटी पोर्टल टैक्स पेर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन देता है लेजर कर करता है रिटर्न फाइल करते हैं पेमेंट होता है यूजर सर्विस ढेरों आप सर्विस का यहां पर बेनिफिट लेकर चलते हो क्योंकि आप रिविजन क्लास है तो इसमें मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा रिफंड कैसे क्लेम करते हैं ईवे बिल सिस्टम का पूरा सीन क्या है सब कुछ पोर्टल आपका यहां पे करवा के चलता है तो यही था आपका बेसिकली मतलब जीएसटीएन का कंपनी सेक्शन में रजिस्टर्ड है फंड दोनों तरह की गवर्नमेंट इसमें फंडिंग करती हैं और जीएसटीएन प्रोवाइड जीएसटी पोर्टल सर्विस टू गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर्स और ये रिटर्न रजिस्ट्रेशन रिटर्न और आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी प्रकार की चीजें यहां से ही करवाई जाती हैं इज इट ओके यस सर को दिक्कत वाली बात नहीं है सर ड्यू डेट पर बुरा हाल है जीएसटी इनका पता भाई साहब बिल्कुल बुरा हाल है मेरे पास कम से कम पांच छह क्वेरी डेली आ जाती है सर अब मैं क्या करूं इसमें जीएसटी पोर्टल की फोटो खींच के भेजते हैं कि ये कह रहा है अब बताओ अब मैं क्या करूं इसके अंदर आकर ठीक है तो भाई साहब अब क्या कुछ नहीं कर सकते बताओ क्या कर सकते हैं खैर अगला चैप्टर आता है आपका यहां पर इसी का इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ही चैप्टर है आपका और इसके अंदर आके क्या बोलता मैं आपको बता देना चाहता हूं मालिक क्या भला देखिए मुख्य तौर पर आपके लिए चार आर्टिकल्स यहां पर रेलिवेंट हैं मैं चाहता हूं कि चारों के नाम भी आप याद रख के चलें आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए आर्टिकल नंबर 366 आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए और आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए 246 कैपिटल ए में क्या बोलता है कि देखिए ट्रांजेक्शन आपके दो प्रकार की होती है एक इंट्रा होती है और एक आपकी ट्रांजेक्शन होगी इंटर स्टेट हम जानते हैं इंट्रा पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगते हैं इंटर पे आपका आईजीएसटी लगाया जाता है तो इसको लॉ बनाने की पावर कैसी होनी चाहिए तो जहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लॉ बनाने की पावर है इकट्ठे लगते हैं इसलिए इसके संबंध में लॉ बनाने की पावर भी इकट्ठी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है यहां पर दी गई है मालिक और उसके चलते इन्हें लॉ बनाने का अधिकार आर्टिकल नंबर टू फोर्टी कैपिटल ए देकर चलता है दूसरी बात कि जो अपना आईजीएसटी वो एक्सक्लूसिवली लेवी एंड कलेक्ट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है वो अलग बात है कि उसे इंटरनली अपना बांट लेते हैं आपस में आकर ठीक है जी लेकिन उसके लिए लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड मजे की बात फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आपके हैं शराब की बात नहीं कर रहा पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आपके हैं उनके संबंध में ये लिखा है इस आर्टिकल के अंदर कि भैया उसे भी जीएसटी के एम्बिट जीएसटी के दायरे में लेकर हम आ जाएंगे लेकिन लेकिन बता दें आपको हम अभी नहीं उस डेट से जब जीएसटी काउंसिल उसे रिकमेंड करके चलेगी तो भविष्य में कभी भी किसी भी तरह आप नोटिफिकेशन देखेंगे कि आपके ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीजल पेट्रोल हाई स्पीड डीजल एविएशन एवियशन फ्यूल नेचुरल गैस ये भी क्रूड पेट्रोलियम ये भी आपके आ चुके हैं जीएसटी के दायरे में इज इट ओके यहां पर आता दूसरा आर्टिकल आर्टिकल नंबर टू कैपिटल ए करके आता है इसने हमें यह बताया है मालिक कि भाई साहब सुनिए हमारी बात देखो ऊपर आर्टिकल टू कैपिटल ए ने यह तो बता दिया कि आई जो आपका जो ये इंटी आईजीएसटी एक्ट है ये एक्सक्लूसिवली बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि भैया यहां पर ऐसा नहीं कि सारा के सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खा जाएगी आधा पैसा सेंटर को जाएगा और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा जो भी सामने डेस्टिनेशन पर आ रहा होगा उसके बाद आर्टिकल नंबर 366 के अंदर कुछ एक डेफिनेशंस दी गई हैं डेफिनेशन के अंदर दिया गया है जीएसटी मींस अ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज लेकिन लेकिन एक्सक्लूडिंग ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज इट ओके तो शराब पर जीएसटी नहीं है इसके लिए लीगल बैकिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बैकिंग क्या है आर्टिकल 366 और और मालिक फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी आज नहीं है संविधान का आर्टिकल 246 कैपिटल ए इस बात का जवाब देकर चलता है राइट यस सर और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गुड्स का मतलब किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस का मतलब कुछ भी अदर देन गुड्स और जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है जीएसटी के अंदर उनको भी इंटरस्टेट कहा जाएगा बिकॉज इंटरनेशनल और इंटरस्टेट दोनों का जो ट्रीटमेंट है लगभग एक ही जैसा इसलिए इंटरस्टेट टू इंटरस्टेट रहेगा ही रहेगा साथ में इंटरनेशनल को भी इंटरस्टेट ही कहा जाएगा उसके बाद में आता है आपका आर्टिकल नंबर टू नाइन कैपिटल ए जब जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवत भारत जब जब एक टैक्स पेयर को मेरे बच्चा मेरे कबूतर या इंडस्ट्री को जरूरत होती है किसी प्रकार के चेंज की जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर पर जीएसटी का रेट भाई साहब बारह परसेंट से घटाकर आप पांच परसेंट कर दीजिए इस प्रकार की जब भी जरूरत पड़ती है तो दे विल अप्रोच टू द जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी काउंसिल विल डिस्कस इट इंटरनली एंड आफ्टर पासिंग ए रेजोलूशन एंड रेजोल्यूशन शेल बी पासड ऑन द बेसिस ऑफ सेवेंटी और मोर वेटेड परसेंटेज एंड आफ्टर पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन गवर्नमेंट विल रिकमेंड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू ए नोटिफिकेशन एंड आफ्टर ऑफ द नोटिफिकेशन दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द

यहां से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसके लिए 75 परसेंट और मोर वेटेड परसेंटेज यहां पर चाहिए होती है किसी रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए उसके बाद इसकी रिकमेंडेशन जाती है गवर्नमेंट के पास में पार्लियामेंट वहां से नोटिफिकेशन पास होगी और नोटिफिकेशन पास होने के बाद में वो एक्ट का हिस्सा बनेगी एक्ट का हिस्से बनने के बाद वो आपकी चीज इफेक्टिव हो जाती है सिर्फ रिकमेंडेशन ही क्या लॉ होती है द आंसर इज नो रिकमेंडेशन मीन सजेशन होता है वो सिर्फ सजेस्ट कर रही है फाइनली पार्लियामेंट के थ्रू ही वो पास होने के बाद नोटिफिकेशन आती है उसके बाद ही वो एक्ट का पार्ट बनेगी और वहां पर काम करवाया

यहां पर आपके 25 में कैलकुलेटर उठाता हूं जरा 25 स्टेट यहां पर फेवरेबल वोट अपने दे रहे होते हैं इकतीस में से तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई साहब यहां पर आकर कितने परसेंटेज में फेवरेबल वोट अपना आ जाएगा सर अगर 25 स्टेट इसके फेवर में आ जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड में करके चलूंगा और पच्चीस डिवाइड बाई इकतीस इन इट विल कम्स टू एसेंट ना चेक करना भाई एक बार जरा ये भाई साहब आपका एट्टी यहां पर आ जाएगा ये टू बाई थ्री वन बाई थ्री क्या मैं समझाता हूं जरा ध्यान से सुनना नॉर्मली हम परसेंटेज इसका एवरेज हमें करना हो तो कैसे करते हैं नॉर्मली हम ये करते हैं सौ प्लस अस्सी डिवाइड बाई दो अगर एवरेज निकालना हो ऐसे करके ये नब्बे आ जाता है क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं समझाने के लिए कह रहा हूं आपको कैसे लिख सकता हूं कि हमने क्या किया हमने किया हंड्रेड डिवाइड बाई वन बाई टू और 80 इंटू वन बाई टू हमने यही तो किया 50 इसका आया 40 इसका आया 90 ऐसे करके आ गया यानी कि हमने दोनों को जो वेटेज दी वो बराबर बराबर की वेटेज दी ऐसा करने से स्टेट कमजोर पड़ रहे थे और स्टेट को डर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एस्तेसी न मार दे इसलिए इस परसेंटेज को सुधरवाया गया इस वेटेज को सुधरवाया गया और कहा गया कि एक काम करो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा होगा वेट एक बटा तीन और स्टेट का वेट होगा इसके अंदर हम बताए दें आपको दो बटा तीन ऐसे करके वेट चढ़ाइए उसके बाद थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आपका ये आ जाएगा और ये कितना आया ये कितना आया सर एटी पॉइंट सिक्स फाइव मुझे बताया तो एक्टी पॉइंट सिक्स फाइव पकड़ रहा हूं एट्टी पॉइंट फाइव 80.65 पॉइंट इंटू टू और डिवाइड बाई तीन भाई साहब और ये आ गया 53 53 आपका ये आ जाएगा सिक्स सिक्स करके तो वो वो छिहत्तर परसेंट प्लस अपना निकल जाता है तो मतलब प्रपोजल पास करवा दिया जाएगा क्या अकेले अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कोई प्रपोजल पास कर सकती है ऐसी पिछहत्तर no. को पास कर सकते हैं आंसर इज नो no. क्योंकि सारे स्टेट को मिला दिया जाए तो उनका कितना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट फेवरेबल वोट भी आ जाए तो उस पर दो बटा तीन चढ़ेगा जब यह चढ़ेगा तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन अपना निकल के आएगा इसका मतलब सारे स्टेट मिलकर भी किसी रिकमेंडेशन को आगे नहीं दे सकते हैं दोनों का मिला जुला यहां पर रूप देखना पड़ेगा तो ये थे आपके आर्टिकल इस प्रकार से अच्छा कोरम के लिए कि काउंसिल की मीटिंग हो उसके लिए कम से कम कम से कम सदस्यों की संख्या फिफ्टी परसेंट होनी चाहिए तो ही इसकी मीटिंग यहां पर हो पाएगी और जितने भी जीएसटी के अंदर फैसले लिए जाते हैं ना यार जितने भी जीएसटी के अंदर फैसले लिए जाते हैं वो सारे के सारे फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है उसके बाद आगे रिकमेंडेशन जाती है चाहे गुड्स या सर्विस के ऊपर हो चाहे एग्जामेशन के ऊपर हो चाहे वो इंट्रा इंट्राइंटर के किसी प्रोविजन के ऊपर हो एनी एक गेट वट एवर इतना कॉमा भी चेंज होगा तो उसे भी जीएसटी काउंसिल निर्धारित करके चलती है सीटी भी मारी जाएगी तो भाई साहब उसे भी जीएसटी काउंसिल निर्धारित करके चलेगी उसके बाद ही कुछ आगे एक्शन लिया जाएगा इज इट ओके यस सर और को दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है सर जी बढ़े चले यस सर तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जावत है हमें बताइए कहा हम आगे बढ़ जाएं अब या ना बढ़े बताएं जय श्री राम जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी मेरे पास बड़ा ही शानदार सा पूरा है कि किस प्रकार से आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं पोर्टल से भी मैं दिखा रखा है तो बना देंगे कि वीडियो आप चिंता ना करें चले आगे अब सुनो मेरी बात <coughs> अब मैं दिखा रहा हूं आपको एक डायग्राम अपना बाबा की बूटी का डायग्राम है अब हमें जीएसटी का एक फ्लो एक पैटर्न यहां पे तैयार करना पड़ेगा और उसी फ्लो और पैटर्न के तहत ही हम अपना आगे बढ़ेंगे नंद के आनंद भाई यस सर तो ये डायग्राम है आप चेक कर लेना मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये डायग्राम मेरा uh, सी राजकुमार डॉट कॉम फ्री रिसोर्स में है या नहीं इसका नाम है जिस्ट ऑफ जीएसटी बाबा की बूटी के नाम से बुलाते हैं अगर नहीं है तो मैं डलवा दूंगा वहां पर ठीक है तो हमारा जो जीएसटी है उसका एक तरीका है उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत हम जीएसटी को पकड़ते हैं क्योंकि हमें यहां पर ईच एंड एवरी की लिंकेज करनी जो होती है वैसे करके तो इसमें पहले आता है यहां पर गुड्स और सर्विस की बात करते हैं क्योंकि जीएसटी इसी के ऊपर लगता है ठीक तो यहां सिखाया जाता है क्या गुड्स है क्या सर्विस है क्या कुछ भी नहीं है अगर ये कुछ भी नहीं है तो जीएसटी की बात यहीं पर खत्म हो जाती है मनी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है जीएसटी की चर्चा यहीं पर दी एंड हो जाएगी ये एक ऐसा चक्रव्यू मैंने यहां पर बनाया है जैसे बचपन में आप खेल खेलते थे ना ये म्यूजिकल चेयर वाला कि भाई साहब पांच कुर्सियां हैं और बैठने वाले मतलब जो गोल गोल घूमने वो छह लोग हैं एक ज्यादा हुआ करता था म्यूजिक बजता था म्यूजिक बंद होते ही सबको कुर्सी पर बैठना है पांच कुर्सी पर पांच लोग बैठ जाएंगे एक रह जाएगा वो गेम से आउट वैसे करके तो यहां से भी क्या होगा कि अगर बात बनती है एक राउंड क्वालिफाई करते हो तो अगले में टेस्ट करेंगे और अगर आप किसी राउंड में फेल हो गए तो वहीं से बैक टू पवेलियन बात ही नहीं करेंगे हम आगे जीएसटी के ठीक है तो अगर ये गुड से सर्विस नहीं है तो यहीं से बैक टू पवेलियन आगे कोई चर्चा किसी प्रकार की नहीं करी जाएगी बता रहे हैं हम आपको लेकिन अगर ये गुड से सर्विस होता है तो फिर अगले खेल को खेलेंगे यहां पर आकर हम बात करेंगे इससे कि भाई साहब सप्लाई है या नहीं है यहां पर सिखाया जाता है सप्लाई का मतलब क्या होता है इसके चार हिस्से बने हुए हैं पहले हिस्से में बात करते हैं क्या सप्लाई है दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि सप्लाई तो है पर किसकी गाना सुना है बहु काले की हरियाणवी गाना बड़ा शानदार सुनकर देखना बहु काले की तो भाई साहब बहु तो बन गई पर काले की या गोरे की यू ना पता तो सप्लाई तो बन गई पर गुड्स की या सर्विस की यू ना पता यह बात डिस्कस की जाती है इसके सेकंड पार्ट में तीसरे में बात करते हैं नो सप्लाई कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पर कि उन्होंने सप्लाई मानते नहीं सप्लाई नहीं मानेंगे तो यहीं से आउट कर दिया जाएगा नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल और उसके बाद बंडल्ड सर्विस की बात करते हैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की चर्चा करी जाती है अगर मान लीजिए आपकी सप्लाई बनती है गुड्स की सर्विस की मैंने फर्क ना पड़ता उसके बाद इसको टेस्ट किया जाता है कि भाई साहब है तो सही पर यह बताओ इंट्रा है या इंटर है हालांकि ये इंट्रा इंटर का डिस्कशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसे हम सी फाइनल में आपके साथ डिस्कस करके चलेंगे बहुत ही शानदार और टेक्निकल चैप्टर है ये बारीक बारीक प्रोविजन इस चैप्टर के अंदर उसके बाद गुड्स या सर्विस की जो आ, सप्लाई है इंट्रा हो या इंटर हो अरे भाई साहब वो टैक्सेबल पर्सन के कर कमलों से होनी चाहिए उसके हाथों से होनी चाहिए लेकिन अगर वो टैक्सेबल पर्सन के हाथों से नहीं नहीं हो रही है तो जीएसटी लगाया जाएगा सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है आलू टमाटर भिंडी खीरा लौकी संतरा मिठाई अब मुझे बताइए भाई साहब उस पर जीएसटी आएगा कि ना आएगा भाई जो वो काम कर रहा है वो गुड्स है वो जो बेच रहा है भाई साहब वो एक सप्लाई है हाँ बोलो हाँ हाँ बोलो हाँ सेल कर रहा है फॉर ए कंसिडरेशन एक्टिविटी भी कर रहा है बिजनेस भी है कंसिडेशन भी है सप्लाई भी है इंट्रा या इंटर अमूमन इंट्रा ही होगा लेकिन चूंकि वो बंदा 10 लाख 20 लाख या 40 लाख के दायरे में ही होता है इसलिए वो टैक्सेबल पर्सन नहीं बनता है इसलिए चौथे गेट से उसको आउट कर दिया जाएगा एग्रीकल्चरिस्ट भी आपका नहीं होता है टैक्सेबल पर्सन इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं एक किसान आदमी हूं और मेरा पचास लाख का मेरा फसल बेच देता हूं मैं साल भर के अंदर मुझे फिर भी जीएसटी नहीं भरना क्योंकि मैं फसल बेच कर आया फसल गुड्स है बेचना सप्लाई है इंट्रा हो या इंटर हो फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद मैं आपको

अगर आप एग्जाम में फॉल कर गए तो आउट और अगर यहां से आउट नहीं हो पाते तो जीएसटी लग के रहेगा अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो जीएसटी को लगने से रोक दे जीएसटी से बचने के सिर्फ पांच ही आपको चांस मिलते हैं पांच में से अब आप इन पांचों गेट पर इतनी शानदार कमांड आपकी होनी चाहिए कि आप सीए बनने के बाद अपने क्लाइंट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी गेट से आप बाहर निकालकर ले जाए बाहर निकाल के ले गए तो करोड़ों की फीस आपकी जेब में होगी वरना कोई ना पूछने वाला है मालिक अगर पांचों गेट से बाहर नहीं गए तो जीएसटी लग के रहेगा लग के रहेगा तो अब अमाउंट बता दो छोटा अमाउंट लगेगा बड़ा अमाउंट लगेगा क्या मामला लगेगा यह तय हो गया बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी लेकिन घंटी बंधेगी या घंटा बंधेगा भाई साहब कितना बड़ा होगा यह तो बता दीजिए तो यहां पर अगर कंप्यूटेशन की मतलब जीएसटी को कंप्यूट हम करके चलेंगे जहां पर दो स्कीम हमें देखने को मिलती हैं एक होती है रेगुलर स्कीम एक होती है हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम इज इट ओके यस सर यहां से पता लगेगा जीएसटी कितना हमें भरना है कितना जब तय हो जाएगा अमाउंट निकल के आ जाएगा अब तय होगा कि भाई साहब घंटी घंटा है यह तो पता लग गया लेकिन यह बता दो इसे बांधेगा कौन नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म मैकेनिज्म यानी कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा सप्लायर जीएसटी भर के आएगा या रिवर्स चार्ज में रेसिपियंट को जीएसटी भरना पड़ेगा वो यहां सीखने को मिलेगा कितना जाएगा कौन भरेगा लेकिन यह तो बता दो कब भरेगा कब भरने के लिए हमें देखना होता है टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई को बोलते हैं सप्लाई डे सप्लाई टैक्सेबल इवेंट होती है लेवी की एक कारण होती है जीएसटी लेवी का सबसे प्रमुख कारण आपकी सप्लाई ही होती है लेकिन सप्लाई बोल देना बड़ा आसान होता है लेकिन सप्लाई के बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं

करने के लिए लाइबल होगा तो यह बता दीजिए कितना भरना है पता लग गया कौन भरेगा पता लग गया लेकिन कब भरेगा यह और पता लगेगा हमें यहां से और उसके बाद बाद में ये पता लगाने के बाद, कुछ आते हैं हैं जिसमें हम बात करते मैनर ऑफ पेमेंट रजिस्ट्रेशन रिटर्न यही है आपका जीएसटी बस इसके अलावा आपका जीएसटी है ही नहीं मालिक हम जब भी बात करेंगे लिंकेज फॉर्म में बात करके चलेंगे क्योंकि लिंकेज से ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिंकेज से आप थ्योरी लिख पाएंगे और लिंकेज से ही आप सीए बनने के बाद अपना खुद का धंधा कर पाएंगे अगर

कभी केमिस्ट्री बन जाता है इसमें तो भांति भांति के रंग रूप में सारे सब्जेक्ट का मिला जो है और कभी कभी राजनीति भी घुस जाती है घंटे जी। वाली जीएसटी फॉर आई आर एस कैन आई वॉच फॉर सी ए फाइनल हाँ देख सकते हो बिल्कुल सीए फाइनल आप देख सकते हो मालिक बिल्कुल देख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन वहां पर आप क्या देखोगे मतलब सुनते आप सुनोगे कि वहां मैं उनको बता रहा हूं कि एज टैक्स ऑफिसर तेने क्या करना है मैं आपको सिखाता हूं सीए वालों को सिखाता हूं कि आपको यहां यहां से बचाना है उसको सिखाऊंगा तो ये यहां यहां से पकड़ना है कि देख वो जो क्लाइंट होगा ना टैक्स पेयर होगा वो यहां, यहां यहां गलती कर रहा होगा यहां, यहां यहां गलती कर रहा होगा मेरे कल सीए साहब आए थे जो हमारा पूरा फाइनेंशियल अपना देखते हैं वो कल जो उनसे मीटिंग थी तो उनका कहना था अरे कुछ ऐसा मत सिखा देना जो हमारे लिए मुसीबत बन जाए आप देखो मैं तो अपना धर्म निभाऊंगा बाबू आपके साथ मेरा धर्म अलग है उनके साथ धर्म अलग है मेरा अलग मतलब अप्रोच अलग है बेसिकली लेकिन मेरा धर्म यह है कि मैं पूरी शिद्दत के साथ उनको मैं सिखाऊंगा अब सोचो ना इधर आईआरएस इधर आप वो भी अपने वो लगभग बन चुके यूपीएससी क्वालिफाइड है और इस ट्रेनिंग है और उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करके वो अपना ए की पोस्ट पर आ जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर आप सी वो ए और आप सी ए बस अंतरिक्ष में आप सी वो ए अब आप भी बाबा की बूटी पढ़ के गए हैं वो भी बाबा की बूटी पढ़ के गए हैं जब आमना सामना होगा तो क्या होगा अच्छा मैं उनसे तो लास्ट सेशन में पूछ रहा था उसमें तीन तो एस हैं उस आई वाले बैच के अंदर ना वो एसडीएम uh, थे इवन uh, हैं और उन्होंने आई की तैयारी करी और यहां पर आ गए तो मैं कह रहा था उनसे जैसलमेर के एस डी तो उसमें पांच भूटान से हैं वो भूटान में रॉयल कमीशन होता है तो उनकी भी ट्रेनिंग यहीं पर होती है तो मैं पूछ रहा था कि अगर कभी तुम्हारा हमारा आमना सामना हो तो मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊँगा सर कह के बुलाऊँ क्या कह के बुलाऊँ तो मेरे पास जवाब पता क्या आया था करे आप हमें ना बाबू कह के बुलाना मतलब मेरा कलेजों में तो ठंडक पड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बाबू कह के बुलाना आप तो आपको भी बाबू बुलाता हूँ उनको भी बाबू बुलाऊंगा तो दोनों के प्रति मेरी पूरी पूरी श्रद्धा है ठीक है जी तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मालिक उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्या करेंगे इथे आ जाओ भाई साहब जरा यहाँ पर अब आता है आपका डेफिनेशन का चैप्टर यहां पर ऐसे करके जी सर सीए के बाद यूपीएससी कर लें हम कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू करो ना अरे करो जीवन में जितने मन में ख्वाहिशें तमन्ना आग है ना भाई साहब सब करो मैं बताऊं मैं भी सोचता था कि भाई पहले आ, मैंने पहले तैयारी करी थी यूपीएससी की तैयारी मैंने शुरू में सीए बनने से पहले मैंने तैयारी करी थी फिर किन्हीं कारणों से कुछ लोगों ने जो सीनियर ने मुझे भटका दिया कि आप ये मत करो यार रिस्क मामला है ऐसे वैसे है फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सी कर लूँ और सी करने के बाद मेरे पास स्टैंड होगा कि मैं स्टैब्लिश होऊंगा अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो मैं दाल रोटी कमा रहा हूँ अपने बढ़िया से जीवन चला रहा हूँ ऐसे करके तो वो है बाबू बात पैसे के मैटर नहीं करती दरअसल वहां जो जो रुआब होता है ना अब सोचो जरा भारत सरकार लिखी हुई गाड़ी मुझे लेने के लिए आती है छोड़ के जाती है वहां सभी गार्ड हो चाहे पुलिस वाले चाहे कोई भी हो नमस्ते करते हैं मेरा बैग लेकर एक व्यक्ति जा रहा होता है इतनी इज्जत इतनी इतना वो मिलता क्या, क्या है क्या बताए हम आपको तो ये बेसिकली जब मुझे वहां जा कितना मिल रहा है तो उनको कितना है वो तो खुद ही उसके उनका घर है वो अपना है ना तो वैसे करके एक्शनेबल क्लेम की हम बात करते हैं तो डेफिनेशन की चर्चा है मालिक तो आज कितने आज के लेक्चर हैं नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा भाई मेरी बात सुनो नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता और आज आपका लेक्चर लाइव होना था मुझे भी नहीं पता अचानक से मन में आया चलो भाई नहाकर आज सी एंटर जीएसटी की बात करते हैं ठीक है क्योंकि इस तरह के जो वादे होते हैं ना वादे टूट जाते हैं आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें और जब भी शुरू होगा नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाएगी और मैं करूंगा ऐसा जैसा संडे था आज तो अब मुझे पता है कि आप अवेलेबल होगे या फिर अगर वर्किंग डे है तो मैं शाम वाम को करूंगा ताकि मतलब मुझे ये रहे कि हाँ आप देख पाने की स्थिति में हो गए ठीक है जी तो फिर मैंने सीए किया सीए करने के बाद फिर मैंने यूपीएससी विश्वास मानिए अगर आज अगर मेरी उम्र होती यूपीएससी एग्जाम देने के लिए तो मेरे अंदर आज भी इतना जज्बा है कि मैं आज यूपीएससी की तैयारी करके एग्जाम क्वालिफाई करने का पूरा प्रयास करता पर अब मेरी उम्र नहीं रह गई है क्योंकि सीए बनने के बाद अगली रिक्वायरमेंट होती है भाई साहब एक तो शादी और एक पैसा दो चीज चाहिए होती है ना कि पढ़ने के लिए समय होता है तो आप को अगर मन में ऐसी कुछ बात है तो अपनी सीए को ना फटा फटाफट निकालो तेजी से तेजी से मतलब कि बहुत मेहनत करो और एक शॉट में आप चुनिकालो बोध रुप देकर निकालो और फट से लग जाओ आप यूपीएससी के लिए अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो अगर सीए में आपने डिले कर दिया रोते गाते हुए पास हुए ना तो फिर वो 24-25 साल की उम्र पे जाके ना फिर एक नए सिरे से नई चीज को पढ़ने के लिए फिर वो 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 नहीं रह जाता ठीक है चलो एक्शनेबल क्लेम की हम लोग आपसे बात कर रहे हैं जी और यहां पर क्या हो रहा है हम जल ग्रहण कर लें हाँ जी कर लो सर जी एक्शनेबल क्लेम होते हैं कॉन्टिंजेंट एसेट क्टिंजेंट एसेट वो होती है कि जहां पर कोई धन या कोई संपत्ति पाने का आपको अधिकार तो है पर उसका मिलना या ना मिलना इट इज अनसर्टेन आई हैव अ राइट टू गेट समथिंग बट इट इज टोटली अनसर्टेन जहां अनसर्टनिटी है उसे एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है मैंने किसी को उधार पैसा दे दिया अनसिक्योर डेट आएगा नहीं आएगा अनसर्टेन है लॉटरी का टिकट ले लिया भाई साहब अब लॉटरी लगेगी ना लगेगी अनसर्टेन है बैटिंग गैम्बलिंग एटसेट्रा सब अनसर्टेनिटी है बाई चांस है बचके तू रहना और बचके तू हाँ ऐसे करके है तो आजमा लख आजमा ये लख वाले काम होते इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ एक्शनबल क्लेम एक्शन एक्शनबल क्लेम को जीएसटी की दुनिया में गुड्स कहा जाता है लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं जब हम सप्लाई वाले डिस्कशन पे आते हैं तो वहां पर बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी ये जो फॉर्म है आपकी एक्शनबल क्लेम की ये तो आपकी सप्लाई भी बनती है और इस पर जीएसटी भी जाता है लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ द फॉर्म है आपकी ये गुड्स तो बनती हैं लेकिन इनको सप्लाई नहीं कहा जाता है और इनके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगाया जाता है सर क्लास कब तक चलेगी प्रभु इच्छा तक मैंने कोई टाइम नहीं देख रखा प्रभु इच्छा तक मुझे लंच करना होगा लंच के लिए जब खबर मेरे पास में आएगी तब तक करके चलेंगे ठीक है ठीक है सर जी तो वैसे करके तो ये सारी बात मैंने आपकी लिखी हुई है सर इस पर क्यों लगाया जाता था क्या कारण है बैटिंग गैमिंग लॉटरी पे पुराने समय के अंदर आपका एक टैक्स हुआ करता था मतलब जीएसटी से पहले टैक्स ऑन बैटिंग गैमलिंग एंड लॉटरी जो स्टेट गवर्नमेंट को पेबल हुआ करता था ठीक है जी अब क्या हुआ कि द टैक्स हैज बीन सब्स्यूम्ड इन जीएसटी बट द स्टेट गवर्नमेंट वांट टू कॉम्पनसेट दैट रेवेन्यू विद द अमाउंट सो दे अमाउंट सो द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंटिन्यू दैट रेवेन्यू एज पर जीएसटी लॉ तो इसलिए इन्होंने यहां पर आकर किया कि भैया वो वाला रेवेन्यू हमारा अर्न करवाइए और इस पर जीएसटी चाहिए जीएसटी चाहिए ये टारगेट था इस कारण से इसे सप्लाई बनाया गया और इसी कारण से इसे हमें यहां पर आकर गुड्स बोलना पड़ा रेस्ट ऑफ द फॉर्म पर कोई किसी प्रकार का पुराना टैक्स नहीं हुआ करता था दैट्स वाई एज ऑफ नाउ इट इज आउट ऑफ द जीएसटी एस एंड इट इज शेड नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई एंड नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल इज इट ओके यस सर एजेंट कौन होवत है एक बात बताइए मैंने हाथ में अपने में ये बांध दिया और बांध के किसी के गाल पे तमाचा मार दूं तो भाई साहब सजा अब वो सामने वाला पलट कर इसे मारेगा रिमोट को या मुझे तोड़ेगा वो मुझे मारेगा यार वो. क्यों क्योंकि मैंने इसके द्वारा जो भी कर्म किया है इसके द्वारा जो भी कर्म किया है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ तो इसी तरह से जो एजेंट आदमी होता है वो एक तरह का एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द प्रिंसिपल होता है एनी ऑफ द एक्टिविटी मेड बाई द एजेंट द रेस्प the another person principal will be responsible in all the manners in simple words we can say agent is a person who acts on behalf of another person

Principle that I will pay your total money without any bad debts, zero percent bad debts will be there and the ल अमाउंट विल पेड ऑन टाइम ऐसे के तैसे वो पैसा दे ना दे आप निश्चिंत रहिए बेड जीरो का, पूरा पैसा दूंगा, टाइम पर देकर दे चलता है और यूजली इस तरह के जो एजेंट होते हैं उनका कमीशन भी थोड़ा सा ज्यादा होता है तो यह है आपके एजेंट की डेफिनेशन आप फैक्टर ब्रोकर कमीशन एजेंट डेल क्रेडिट किसी भी नाम से बुलाइए जो दूसरे के बिहाब पर काम करता है सबसे बड़ा वर्ड है बिहाफ रा दूसरे के बिहाब पर काम करता है उस व्यक्ति को यहां पर एजेंट कहा जाता है प्रिंसिपल कौन है ऑब्वियस ही बात है अभी जो हम कह रहे थे ना अनदर पर्सन ये जो अनदर वाला व्यक्ति होता है ना इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल आदमी वो व्यक्ति जो एजेंट के माध्यम से काम करवाता है दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल पर्सन लेकिन जहां तक सवाल है What is the link of principal and agent in GST regime? When principal supply to the agent or supply make transfer of the goods to the principal in both the scenarios, it will be called as a supply, even though it is on FOC basis, that is free of charge basis, even though it is liable to GST finally. Is a supply jayega or GST? Ke daire mein isko आगे बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की एग्रीगेट टर्नओवर हमें वहां देखना होता है जहां पर हम अपने रजिस्ट्रेशन लिमिट चेक कर रहे होते हैं। हमें अच्छे से पता है कि अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है अगर वो एक्सीड कर जाता है माय एप्लीकेबल लिमिट दैट मे बी टेन लाख, ट्वेंटी लाख और 40 लाख रुपीज सो इन सच ए केस आई नीड टू गेट रजिस्टर माइ से स्टेट फ्रॉम वेयर आई एम मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई मुझे उन तमाम स्टेट के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे होते हैं नाउ द क्वेश्चन इज दिस ना एग्रीगेट एग्री होता क्या है इसमें दो शब्द आ रहे हैं एग्रीगेट और एक टर्न तो पहले एग्रीगेट को समझ लेते हैं यहां पर एग्रीगेट का मतलब ऑल ओवर इंडिया में एक पेन पर रजिस्ट्रेशन जो होता है पेन वाइज होता है मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा रखा रजिस्ट्रेशन लेते समय सबसे पहले परमानेंट अकाउंट नंबर ही मांगा जाता है ठीक है तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर पहले दो डिजिट स्टेट कोड होते हैं अगले टेन डिजिट परमानेंट अकाउंट पर ही होते हैं तो एक परमानेंट अकाउंट नंबर पर जितने भी मेरे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम धंधे फैले हुए हैं ना मालिक उन सबको एग्रीगेट यहां पर किया जाता है पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस पर राइट का मतलब क्या है ऑल आउटवर्ड सप्लाई ऑल आउटवर्ड सप्लाई चाहे ये एनसीएम की है चाहे आरसीएम की है चाहे इंट्रा है चाहे इंटर है चाहे टैक्सेबल चाहे 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 जीरो रेट एग्जाम कोई सी भी हो वो सब की सब मेरी यहां पर की जाती है इनको शामिल किया जाता है लेकिन इन सप्लाई इसको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है चाहे वो एनसीएम को को या आरसीएम अगर आप मुझसे पूछो या मैं आपसे बताओ मेरा कितना होगा साल भर का तो आप क्या सोचोगे आपका ध्यान कहां होगा मेरी फीस जो मैं बच्चों से ले रहा हूं उसके ऊपर या मेरी परचेज के ऊपर परचेज से क्या मतलब, का मतलब सेल या सप्लाई से होता है इसलिए इनवर्ट सप्लाई भले ही आरसीएम की क्यों ना हो भले ही उसका टैक्स मुझे भरना पड़ रहा हो बट स्टिल इट विल नेवर बी कंसिडर्ड छेड़ेंगे नहीं और आउटवर्ड सप्लाई को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर लेकिन दो शब्द रखिएगा सप्लाई है सप्लाई हो वो कम से कम आपकी सप्लाई होनी चाहिए मीनिंग देर बाहर इफ आई ट्रांसफर द गुड टू द जॉब वर्कर इन सच ए केस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर सेवन शेड्यूल नंबर वन सो इफ इट इज नॉट ए सप्लाई तो इसे हम एग्रीगेट टर्न का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनाकर चलेंगे एग्रीगे टन ओवर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनाई जाएगी तो आउटवर्ड होनी चाहिए और सप्लाई होनी चाहिए अगर ये दो शब्द पूरे हो रहे हैं तो बाकी आगे मत देखना वो सब जोड़ दिया जाएगा वन मोर थिंग अगर मान लीजिए यहां पर एक वैल्यू है वैल्यू ऑफ टोबैको वैल्यू ऑफ टोबैको आ रही है सौ रुपए की उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी आ रही है वो आपकी दस रुपए की आ रही है एक हो जाता है अब इसके ऊपर जीएसटी लगता है जीएसटी ऑन एक सौ दस यहाँ पे लगाया जाता है अगर मैं लगा के देखू तो एक एक सौ दस के ऊपर पॉइंट टू एट करते हैं अगर हम तो तीस रुपए अस्सी पैसे आ जाता है ये आ गया जी एक सौ चालीस रुपए अस्सी पैसे मुझे बताइए जब हम एग्रीगेट एग्रीगे काउंट करेंगे तो यहां से कौन सी फिगर को पकड़ेंगे एग्रीगेट काउंट करते समय हमारी कौन सी फिगर सौ रुपए को पकड़ू एक सौ दस को पकड़ू या एक सौ चालीस रुपए अस्सी पैसे को पकड़ के चलो किस फिगर को हमें ध्यान में रखना होगा फॉर कैलकुलेटिंग आवर अवर एग्रीगेटर वैल्यू का मतलब क्या है वैल्यू का मतलब ओरिजिनल असेसेबल वैल्यू

हाँ, चाहे निल रेटेड हो बिल्कुल सही कह रहे हो आशीष तुम एक सौ दस पर स्वाति साह कतई जहर आंसर मेरा मन कर रहा है कि दस रुपए का पेटीएम कर दू मैं स्वाति को पर मैं मैंने पहले नहीं बोला था तो मैं नहीं करूंगा सौ दस रुपए इसका मतलब यह है कि वैल्यू फॉर जीएसटी पर्पस जो होती है उसे हम कंसीडर करके चलते हैं दूसरे शब्दों में अदर टैक्स जो होते हैं अदर देन जीएसटी उनको शामिल करने के बाद वैल्यू या ऐसे बोलो जीएसटी को एक्सक्लूड करके जो वैल्यू होती है उसे करके चलते हैं सिंपल वर्डिंग में असेसेबल वैल्यू फॉर जीएसटी जो होती है वो यहां पर वैल्यू का मतलब लिया जाता है राइट यस सर ग्रेट 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 उसके बाद आता है एग्जाम सप्लाई सप्लाई के तीन कॉम्पोनेट होते हैं पहला होता है निल रेटेड दूसरा होता है 100 की नोटिफिकेशन का शिकार और तीसरी होती है नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट और लिकर फॉर ह्यूमन कंजन जो होगा उसे हम यहां पर नॉन टैक्सेबल के नाम से जानकर चलते हैं मालिक ऐसी वाली बात कही जाती है इज इट ओके okay? यस yes, सर तीन फॉर्म आगे इसके आपके और बट डज नॉट इंक्लूड जीरो रेटेड अब यहां से आपको कंफ्यूजन आ सकती है मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बच्चा मेरे कबूतर देख यहां पर आकर तीन प्रकार की बेसिकली आपकी यहां पर सप्लाई हो सकते हैं ऐसे करके ये यह आपकी यहां पर हो सकती है ये यह आपकी यहां पर हो सकती है एक टैक्सेबल सप्लाई तीनों बताइएगा आप ठीक है यह है टेक्सीबल सप्लाई यह है आपकी यहां पर एग्जाम सप्लाई और यह है आपकी यहां पर जीरो रेटेड सप्लाई जीरो रेट उसे बोलते हैं जो बेसिकली आपकी एक्सपोर्ट वाली सप्लाई होती है ना उनको जीरो रेटेड सप्लाई के नाम से जाना जाता है जो आपकी यहां पर टैक्सेबल सप्लाई होती है मेरे बच्चा उसके ऊपर आपको जीएसटी भरना होता है एग्जाम के ऊपर आपको जीएसटी नहीं भरना होता है और जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर भी फाइनली आपको जीएसटी नहीं भरना होता है हालांकि उसके तरीके दो होते हैं पहले पे कर दो बाद में रिफंड ले लो या फिर आप पे ही ना करो बट फाइनली आपका जीएसटी होता ही नहीं है मुझे बताइए कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलेगा अगर आप आउटपुट में टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके संबंध में जो भी आपने इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स लगा रखे उनका आईटीसी मिलेगा ओ यस तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो आईटीसी मिल जाएगा आगे है एग्जेम्प्टेड सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई के संबंध में क्या आपको आईटीसी मिलेगा द आंसर इज नो क्योंकि यहां खून नहीं तो आजादी भी नहीं है लेकिन तीसरी बात जीरो रेट के संबंध में आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा सपोज अगर हम जीरो रेट के संबंध में चूंकि आगे जीएसटी नहीं है अगर हम आईटीसी के लिए मना कर देते हैं तो मुझे बताइए अगर आईटीसी के लिए मना कर दिया ₹100 का हमारा प्रोडक्ट हुआ करता था जो जो इनवार्ड सप्लाई थी हमारी इनवार्ड दस रुपए का टैक्स लग गया था एक सौ दस रुपये की हमारी कॉस्ट पड़ेगी अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो मेरी कॉस्ट एक सौ दस रुपए यहां पे पड़ेगी अगर मान लीजिए मेरा वैल्यू एडिशन यहां पर सौ रुपए का बनता है तो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस दो सौ दस रुपए पहुंच जाएगा दो सौ दस रुपए में दस रुपये क्या है दस रुपए इंडियन टैक्स अगर यह माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो इंटरनेशनल मंडी के अंदर इंडियन टैक्स का लोड भी ओवरसीज कस्टमर पर चला गया जबकि हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते क्यों क्योंकि अगर हमारा देसी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मंडी में महंगा होगा तो महंगी होने की वजह से उसके प्राइस में गिरावट आएगी मतलब सॉरी डिमांड में गिरावट आएगी डिमांड में गिरावट आई तो हमें फॉरेन करेंसी कम मिलेगी हमें फॉरेन करेंसी कम मिलेगी तो हमारा रुपया कमजोर होगा हम अपने रुपया को मजबूत करना चाहते हैं वो मजबूत तब होगा जब फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी फॉरेन करेंसी ज्यादा तब आएगी जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी एक्सपोर्ट तब बढ़ेंगे जब हमारी सेल ज्यादा होगी सेल ज्यादा तब होगी जब हमारा प्राइस कम होगा और प्राइस हमारा तब कम होगा जब हमारी कॉस्ट कम होगी कॉस्ट हमारी तब कम होगी जब हम यहां आईटीसी हमें अवेलेबल करवा दिया जाएगा इसलिए सरकार कहती है कि ठीक है भाई साहब यहां पर आई अवेलेबल करवा देते हैं एक्सेप्शन सरकम के अंदर तो उन्होंने आई टीसी में अलाउ करवा दिया लेकिन सर आउटपुट जीएसटी तो है ही नहीं बंदे का फिर आई टीसी का अचार डालेगा क्या मैं तो मर्सडीज देता हूं ऑडी देता हूं लेकिन आप चला नहीं सकते तो ऐसी कितने क्या करना उसका मैं आपको घर की चाबी देता हूं लेकिन रह नहीं सकते मैं आपको पैसे देता हूं पर खर्च नहीं कर सकते तो आई टीसी तो मिला लेकिन यूज नहीं कर सकते खर्च नहीं कर सकते तो किस बात का आई टीसी तो कुछ नहीं है गवर्नमेंट का घबरा मत। फाइनल में बताऊंगा कि ये जीरो के, दे दे तो के अंदर समानता क्या है कि आउटपुट जीएसटी नहीं है और लेकिन असमानता यह है कि एग्जेप के संबंध में आपको आई टीसी नहीं मिलता लेकिन जीरो आईटीसी अवेलेबल हो जाता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे आगे बात करते एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है एग्रीकल्चरिस्ट जो स्वयं मेहनत करे वो एग्रीकल्चरिस्ट जो जान हथेली पर लेकर जाए वो राजपूत मूवी आई थी थी ना कौन सी वो जो युद्ध के मैदान में पीठ न दिखाए वो राजपूत ऐसे ही जो खुद खेती बाड़ी करे खुद फावड़ा चलाए खेतों में जाके वो किसान जो खुद ने चला रहा परिवार के सदस्य उसके खेतों में काम कर रहे हैं वो किसान या खुद या परिवार के सदस्य काम नहीं करते बड़ा जमींदार आदमी है हायर्ड लेबर लेबर से काम करवाते हैं लेकिन उस लेबर को सुपरवाइज कंट्रोल वही करते हैं उसको भी किसान कहा जाएगा यानी कि वो व्यक्ति जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है या तो वो एक्टिव मोड में इन्वॉल्व है खुद ही इन्वॉल्व है खुद या परिवार के सदस्य या फिर लेबर से काम करवाता है लेकिन उस लेबर को सुपरवाइज कंट्रोल खुद करके चलता है तो जो व्यक्ति एक्टिव या पैसिव तरीके से खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व है उस व्यक्ति को किसान यहां पर कहा जाएगा लेकिन हम यहां एक इंडिविजुअल और एच की बात कर रहे हैं किसी कंपनी की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं जो घोड़े पर जाए वो राज अच्छा वो राजकुमार अच्छा मुझे लगा किसान कह रहे हो आप जो घोड़े पर जाए वो राजकुमार अच्छा अच्छा जी आगे चलिए मैं मैं हूं किसान हां तुम मैंने तो भैया किसान को बुला के लाया था मैंने सी ए फाइनल का आ, ये पढ़ा रहा था मैं किसान की बात चल रही थी वहां पर किसान के समान में पूरी एक एग्जामिशन एक एक भी है वास्तविक किसान को मैं बुला के लाया गांव से मेरा एक अपना गांव भी है मैंने वहां से किसान को बुलाया उनके इक्विपमेंट्स लेकर आया वो जो अपनी उनकी वेशभूषा होती है उसी में आया और पूरा आधा घंटे मैंने उनका डेमो लिया यहां पर कौन सी खेती बाड़ी कैसी खेती बाड़ी मतलब मजा सा आ जाएगा शायद यूट्यूब पर पड़ा हुआ है वो वीडियो आप चेक करना जरा लाल सिंह था उनका नाम जो किसान है हमारे ठीक है आगे बात करते हैं फैमिली की फैमिली का मतलब कौन था कौन है फैमिली के अंदर भाई साहब हम दो हमारे दो आज जीवन में हम तो ऑटो के ऊपर यही पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं हम दो हमारे दो तो बस इसी को फैमिली बोलते हैं हम दो हमारे दो पत्नी और मैं और दो हमारे बच्चे एक का नाम है विराज और एक का नाम है नंदनी दो बच्चे हम दो हमारे दो इसको कहा जाएगा फैमिली लेकिन सर आ, माता पिता भाई बहन और पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इनका क्या हाँ ये भी है रुको जरा ये तो है ही है स्पाउस और बच्चे तो है ही है साथ में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन यदि यदि आ गया यहां पे कंडीशन आ गई यदि 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 ये हमारे ऊपर पूर्णतया डिपेंडेंट है अगर ये मेरे ऊपर आश्रित हैं तो ये मेरी फैमिली का हिस्सा बनेंगे लेकिन पत्नी और बच्चे ऑलवेज 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 ये मेरी फैमिली का हिस्सा ऑलवेज हैं लेकिन पत्नी और बच्चे ऑलवेज हैं लेकिन माता पिता भाई बहन ये सब ये सब हमारे परिवार का हिस्सा तब बनते हैं जब मालिक मैं आपको बता दूं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो ऑथोराइज बैंक कैसे कहेंगे अरे मैं आपको दिखाई देता हूं ऑथोराइज बैंक थोड़ा थोड़ा तो दिखाई सकते हैं मालिक अब मैं आपको पूरा पोर्टल नहीं दिखा सकता जब ऑथोराइज बैंक आता है इसकी बात होती है तो मैं बच्चे को दिखाता हूं कि देख बेटा तू यहां डेफिनेशन क्या पड़ेगा तो यहां देखा के वन फोर सेवन वन फोर कितना थ्री 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 है ना थ्री 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 यहां पर आ जाइए नहीं कुछ और था ये दो कंपनियां मैं दोनों पे आपको सारा डाटा दिखाया है बच्चों को यहां पे एट फोर एट भाई बता है इसमें गड़बड़ हो जाती है कभी 848, 978, राइट 978. Yes, खुल गया मैंने कर दिखाया सर्विसेज पे आइए सर्विस में किस पे जाऊं ऑथराइज बैंक मतलब पेमेंट की बात कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन लेजर रिटर्न पेमेंट पेमेंट्स पे क्लिक कर दिया क्रिएट चलान चलान बनाएंगे और चलान के जरिए बैंक में पेमेंट जमा करेंगे मैं यहां पे चलान बनाना चाहता हूं मैंने यहां पे ये कर दिया प्रोसीड्स मैंने कर दिया कह रहे भाई साहब आपका चलान आपके सामने तैयार है बताओ आपको कितना पैसा जमा करना है मैंने कह दिया मुझे दस हजार इसका जमा करना है आईजीएसटी का भी मुझे दस हजार ही जमा करना है मुझे इस, इस यूटीजीएसटी उत्तर प्रदेश में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है और भाई साहब मुझे इसका दस हजार देना है एक शायद एक लाख हो गया है हैं जी भाई साहब मुझे इतना पैसा जमा कराना है एक लाख बीस हज़ार मेरा टोटल आ गया आई जी एस टी एक लाख है बाकी दस दस हज़ार है इतना मुझे जमा कराना है आगे कहता है भाई साहब एक बात बताइए अरे पेमेंट कौन सा होगा आपका ये मेरा चलान बन गया कि मुझे इतना पैसा बैंक में जमा कराना है इन इन टैक्सेस के नाम का तो आ, तो मैंने कहा भैया मैं ई पेमेंट कर दूं के कर ई पेमेंट कर दीजिए ई पेमेंट पे मैंने यहां पर क्लिक किया और यहां पर कर दीजिए जेनरेट चलान टेंटन चलान मेरा बनकर तैयार हो चुका है किसका कितना पेमेंट करना है वो बता दीजिए और मैंने सिर्फ टैक्स का पेमेंट किया ना मुझे इंटरेस्ट भरनी ना पेनल्टी ना फीस ना कुछ भी अगर मुझे भरना होता तो जिसना जिसका मुझे भरना है आईजीएसटी का इंटरेस्ट भरना है तो रेस्पेक्टिव कॉलम में आता सीजीएसटी का इंटरेस्ट तो रेस्पेक्टिव कॉलम में आता पेनल्टी किसकी की है? आई जीएसटी सी जो भी है रेस्पेक्टिव कॉलम में भरने के बाद मैं ओके करूंगा आगे चलने के बाद कहता है यहां पर आकर एक सीपिन जनरेट हो जाता है सीपिन बोलते हैं चलान कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर खाना आ चुका है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पर मेरा होता है और जैसे ही इस चलान का पेमेंट में, बैंक में करूंगा इसी सी तीन चार डिजिट बैंक के कोड के और जुड़ जाते हैं टू वन फाइव टू लिखा है ना इसके आगे बैंक के तीन डिजिट और जुड़ जाएंगे और टोटल को मिलाकर उसे बोलते हैं सिन चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी क्या है सी पिन कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर और बैंक में पेमेंट होने के बाद जिस बैंक के ब्रांच में पेमेंट हुआ है उसके बाद में यह कहलाएगा आपका चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है जिसके आधार पर बैंक जो जीएसटी पोर्टल से जुड़ा हुआ है उसको सूचना देगा कि ये जो चलान तुम्हारे पोर्टल पर क्रिएट किया गया था इसमें लिखा हुआ अमाउंट मुझे मिल गया है ऐसे करके और जैसे ये कंफर्मेशन जाती है तो टैक्स पेयर का जो भी ई कैश लेजर होता है उस ई कैश लेजर के अंदर उतना अमाउंट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है मेरी कंपनी आभास अजटेक प्राइवेट लिमिटेड यहां पर हो गई डेट वगैरह सब कुछ आ गई और जो चलान है यह मेरा पंद्रह दिन तक वैलिड रहता है चलान जनरेट किया गया है बारह बज के किस्मत सात मार्च को और यह एक्सपायर किया जाएगा बाईस मार्च पंद्रह दिन का इसमें

एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस बैंक हैं अरे यू तो भाई साहब आपके ऑथोराइज बैंक He, all the banks are authorized to collect amount of GST penalty sets etc on behalf of the government and the website or portal of the banks are tied up with the GST portal. As and when I will make payment to the bank, bank will generate Chilan identification number that will be the combination of CPIN plus three digit of the bank and it will be communicated to the GST portal and after that the amount will be credited to your e-cash ledger account and my bank account is an HDFC bank. I have clicked on it. and.

यहां पर मैं इन आईडी पासवर्ड डालूंगा कंटिन्यू करूंगा मेक पेमेंट करूंगा और मेरा जो पेमेंट है ये बैंक में पहुंचेगा बैंक जिसकी वेबसाइट टाई अप है जीएसटी पोर्टल के साथ में तो जो सीपिन था उसमें बैंक के कोड ब्रांच के तीन कोड जोड़ने के बाद में वो जीएसटी पोर्टल पर पहुंचेगा और मेरा मेरी कंपनी का आभास एजटेक का जो ई कैश लेजर है उसमें पैसा दिखना शुरू हो जाएगा ऐसे करके हम पेमेंट करके चलते हैं मालिक आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और जिन बैंक का टाई अप है उन बैंक को बोला जाता है ऑथोराइज बैंक इज इट ओके ऐसे समझते हैं हम अपनी क्लास के अंदर ऑथोराइज बैंक की परिभाषा नहीं पढ़ी हमने लेकिन हमने समझा अब सर दिख ये ऑथोराइज बैंक ये मामला होता है थ्योरी पूरी यहां से पढ़ लो ऑथोराइज बैंक मीन अ बैंक और ब्रांच ऑफ द बैंक ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्स और और ऑन एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट रोल क्या है द टैक्सेबल पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सप्लाई मेड बाई हिम स पे मतलब सप्लायर रेसिपियनसी भी जो भी जीएसटी का पेमेंट करेगा फॉर मेकिंग जीएसटी पोर्टल ओके आफ्टर दैट हा पासवर्ड बता दो नहीं बताऊंगाउंट मेंशन इन द चलान नीड टू बी डिपोजिटेड इन ऑथोराइज बैंक एंड सच ऑथोराइज बैंक इंटीग्रेटेड विद जीएसटी पोर्टल दैट इजी एन दैट इज जीएसटी एन

तो बताओ आज की कथा को यहीं पर हम समाप्त करें या फिर आगे बढ़े क्या कहते हो हालांकि मेरा लंच आ गया है यार आज मेरा कोई वो नहीं था कोई प्लान नहीं था कि आज हमें लाइव आना है तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं लाइव ठीक है तो ऐसा नहीं कि भाई मन हुआ तो शाम को भी आ सकते हैं मन हुआ तो मन हुआ तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा कि हम शाम को आना कब आना है कभी भी आ सकता हूं मैं लाइव आपके सामने ठीक है चलो अभी यहीं तक रख के चलते हैं मालिक तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं बहुतों ने ये किताब भी अभी डाउनलोड नहीं करी होगी इसलिए ही रख के चलते हैं क्लास हम और छोटी का ये ठीक होता है एक सवा घंटे का जो सेशन होता है ना ठीक होता है सवा घंटे का सेशन ठीक होता है ना बहुत ज्यादा होता बड़ा होता ना बहुत छोटा होता ठीक है तो चलो मालिक आज के इतना ही थैंक यू सो मच विश यू ऑल द वेरी बेस्ट राधा राणी कृपा आपके ऊपर सदस्यता यू ही बनी रहे इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा किताब को और कंपाइलर भी वहां पर अवेलेबल है वो लेकिन कंपाइलर बाय करने के लिए ये आपकी फ्री रिसोर्स में पड़ी हुई है किताब जरूर जरूर निकाल लें और डायग्राम का देख लीजिए जिस्ट ऑफ जीएसटी का मिल जाता तो है तो ठीक है वरना मुझे बताना या मैं खुद देख लूंगा मैं उसको भी अपडेट करवा दूंगा बहुत शानदार तरीके से आपका रिविजन कराऊंगा और ये बुक अपने आप में सफिशेंट है विश्वास मानेगा इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर के अंदर बस मुझे आपके नंबर चाहिए दैट्स इट तो ऐसे करके हमारी बात यहां पर खत्म हो रही है करण अभिषेक रस्वाती और लव और 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 में शायद आपका नाम से नहीं पढ़ पा रहा हूं कविता अक्षय अभिषेक शक्ति लव शिवम और, और 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 सलीम और तनु और सुमित थैंक यू सो मच मेरे बच्चा मेरे सर और जीरो रेट में क्या फर्क होता है? मैं आपको बता है आपकी टैक्सेबल होती है यहां पर आपकी होती है एग्जाम के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं एक निल रेटेड एक हंड्रेड परसेंट की एग्जामेशन और एक आपकी होती है नॉन टैक्सेबल वाली होती है और एक होती है जीरो रेटेड

लाइफ में ना आप खुश रहना सीखो यार खुश रहना सीखो कुछ भी हो जाए वट एवर मे हैपन समस्याएं चैलेंजेस लाइफ में कभी खत्म नहीं होते बस उनका रूप बदल जाता है जब बचपन में थे जब होमवर्क आपके लिए चैलेंज हुआ करता था हालांकि होमवर्क तो आज भी चैलेंज है आपके लिए लेकिन आज पास होना आपके लिए चैलेंज बन जाता है छोटी छोटी समस्या आपके लिए अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं मेरे लिए आज अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं अधिकारी हैं उनके लिए अलग चुनौतियां होती हैं जब यूपीएससी की तैयारी बच्चा कर रहा होता तो अलग चुनौतियां हैं बनने के बाद अलग चुनौतियां होती जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है सिर्फ इनके रूप बदलते चले जाते हैं चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती इसलिए उनका डटकर मुकाबला करो सुबह को जल्दी उठा करो रात को जल्दी सोया करो रिफ्रेश रहा करो अपने आप को हमेशा तरोताजा रखने का पूरा प्रयास करके चलो थैंक यू सो so मच इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम ओवर करते हैं बाय टाटा एंड लव यू मेरे बच्चा बाय